ये आवाजें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की थीं, जो लगभग 80 वर्ष पूर्व आसाम के गोहपुर में गूंजी थी। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी थी कनकलता बरुआ। इन स्वतंत्रता सेनानियों की टोली का नाम था मृत्यु वाहिनी, जो देश की आजादी के लिए मौत से भी लड़ने को तत्पर थी। इस टोली का नेतृत्व कर रही थी कनकलता बरुआ। इनका उद्देश्य था अपने क्षेत्रीय पुलिस थाने पर भारत का झंडा लहराना, जो अंग्रेज सरकार की वफादार पुलिस को मंजूर नहीं था। कनकलता बरुआ का दल अपने क्षेत्रीय पुलिस थाने पर भारत का झंडा फहराने पहुंच जाता है। थाना प्रभारी के मना करने पर भी दल आगे बढ़ता रहता है। थाना प्रभारी कनकलता बरुआ के दल को गोली चला देने की चेतावनी देता है, मगर धमकी की परवाह किए बिना कनकलता तिरंगे को ऊंचा किए आगे बढ़ती रहती हैं। तभी पुलिस गोली चला देती है। कनकलता, जो सबसे आगे चल रही थी, उनको गोली लगती है। कनकलता बरुआ तिरंगा थामे थाने के परिसर में ही शहीद हो जाती हैं। तब उनकी उम्र केवल 17 वर्ष थी। आजादी उपरांत भारत सरकार ने कनकलता के बलिदान के सम्मान में तेजपुर के रॉक गार्डन को कनकलता उद्यान का नाम दिया गया। भारत के असम राज्य के विश्वनाथ जिले में स्थित एक शहर गोहपुर में कनकलता की पत्थर की मूर्तियां स्थापित की। कोस्ट गार्ड के एक जहाज को कनकलता का नाम दिया गया। कनकलता को वीर बालक